विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए तीन चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें, वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है।
आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांट कर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं, मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाए। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाए अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिए। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में अपने तप का बल अर्जित किया है आपने, ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से। वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। काश क्या आपके जीवन में चलता है, काश ऐसा हुआ होता। तो सभी में काश के साथ देख रहे हैं कि दुख हो रहा है, तो खुद से पूछना है मेरे जीवन में और क्या क्या काश है। काश मेरा सुर कैसा होता, अच्छा होता तो मैं भजन गाता, भजन गाती। मेरा सुर अच्छा नहीं है तो गा नहीं सकते, बाकी लोग गाते हम नहीं गा पाते। तो किसी के लिए कथा कितनी तकलीफ दे सकती है कि वैसा सुर नहीं है। तो जब आप सोचते हो कि ये सुर अच्छा और ये बुरा है तो क्या होता है, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे सुर। जो लोग सोचते हैं कि ये आवाज़ बुरा है, मेरा आवाज़ खराब है, उन लोगों ने अनजाने में सुर का आनंद क्या होता है छोड़ दिया, अनजाने में। यानी वे लोग अब झिंगुर की आवाज़ और मेंढक का टर्राना इंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए मान्यता आ गई ऐसा आवाज़ यानी सुरीला। देखो अनजाने में आप क्या करते हो, स्टैंपिंग जब करते हो ऐसा आवाज़ यानी सुरीला, तो आपने क्या कर दिया, कितने सारे आवाज़ों को बेसुरा बना दिया। और वे जीवन में सुनाई देंगे जब जब आप दुख भुगतोगे। ये विचार कि ये मेंढक बंद क्यों नहीं कर रहा आवाज़ बारिश की सीजन में, या कुत्ते भौंकना बंद क्यों नहीं कर रहे मोहल्ले में, तो वो पीरियड कैसा होता है, क्या वो पीरियड एंजॉय कर सकते हो, वो भी आपको धुन लग सकती है, उसके अंदर धुन होगी, खाली हमने कभी मनन किया नहीं है उस भौंकने में। क्या धुन है, क्या ताल है, गीतकार कौन है। तो कुछ ये आवाज ऐसी, मेरी आवाज ऐसी, अगर ये सोच रहे, वैसे ये कितने लोगों की कथा अपने सुर के बारे में, वे हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ, तो आज तो मुक्त हो जाएंगे ना, जैसी आवाज है बेस्ट है, क्योंकि हम सभी आवाजों को पसंद करना चाहते। ईश्वर ने जितनी आवाजें क्रिएट की है संसार में, सभी का मजा लेना चाहते, सभी की धुन पकड़ना चाहते, क्योंकि एक सेलेक्ट किया, एक रिजेक्ट किया, तो अब उस रिजेक्शन में कितने सारे आवाज आपको तकलीफ देने वाले। खराटे की आवाज कैसी लगती है, कोई आपके बाजू में सोया हुआ है और खराटे ले रहा है, कितने लोगों को बुरा लगता है, हाथ ऊपर करें। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा है। मगर एक हॉस्पिटल है जहाँ एक पेशेंट है, उसको नींद नहीं आ रही, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे तो भी नींद नहीं आ रही है, और लोग उसके साथ जो है परेशान है, बेचारे को नींद आए, जल्दी ठीक हो जाए। फिर वे बैठे हैं और अचानक देखते हैं कि पेशेंट को नींद आ गई और वो खराटे ले रहा है। कितनी प्यारी आवाज़ लगती है। तब कैसे लगी प्यारी, तब क्या कारण मिला, तब प्यारा लगेगा ना, क्योंकि आप उसके लिए वेट कर रहे थे कब उसे नींद आए, कब खराटे ले। तो आपको वेट करना चाहिए कब लोग बेसुरा गाएं। तो क्या होगा, मोहल्ले में कुछ आवाज आएगी तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर भी कुछ है जिसको मुझे सुनना है। देखोगे रेजिस्टेंस समाप्त,
यानी ये सब बात के पीछे क्या क्लियर हुआ आपको? रेजिस्टेंस है, पसंद नहीं आता है। जहां पर भी रेजिस्टेंस है पसंद नहीं आता, रेजिस्टेंस निकाल दो, वही घटना, वही मेंढक, वही जिंगूर, और आप इंजॉय करो। और उस बिना रेजिस्टेंस में नींद आ गई, आपको पता ही नहीं चला कब आपको नींद आ गई, और लड़ते रहे ये बंद क्यों नहीं कर रहा, बंद नहीं कर रहा, तो नींद ही नहीं आ रही है, करवटें ही बदल रहे। खुद से पूछना है ऐसा जीवन चाहिए जहाँ कुछ आवाज़ पसंद आ रही, जहाँ नहीं आ रही है, जहाँ रेजिस्टेंस है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर नहीं है। तो कितनी गहरी टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ आपको बहुत सारे और पहलू समझ में आएंगे अगर आप ये टॉपिक को सीरियसली अप्लाई करने वाले हो अपने जीवन में। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।